बिहार समस्तीपुर से देखिए रिपोर्ट जितेंद्र कुमार की। स्वर्ण कारोबारी से रंगदारी मांगने वाला धराया दो बदमाशों को समस्तीपुर पुलिस ने हथियार के साथ किया गिरफ्तार। पूर्व से है आपराधिक इतिहास। समस्तीपुर शहर में दो दिन पूर्व पूसा बाजार के स्वर्ण कारोबारी से रंगदारी मांगने के मामले में जिला एसआईटी की टीम ने दो बदमाशों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। दोनों बदमाश की पहचान पूसा थाने के ही महमदा गांव के विजय कुमार के पुत्र अमन कुमार व इसी गांव के अरुण राय के पुत्र सन्नी कुमार के रूप में की गई है। दोनों के पास के देसी कट्टा के अलावा दो गोली व एक मोबाइल भी बरामद की गई है। दोनों को जेल भेजा जा रहा है। घटना के संबंध में बताया गया है कि दोनों बदमाश 10 अक्टूबर की शाम दीपक के सोना चांदी की दुकान पर पहुंचकर रंगदारी की मांग की। इस दौरान प्रतिरोध करने पर कारोबारी दीपक के पुत्र को जाने से मार देने की धमकी दी और दुकान पर हवाई में फायरिंग की। इस मामले में पूसा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। संवाददाता सम्मेलन के दौरान सदर डीएसपी संजय पांडेय ने कहा कि इस घटना के बाद एक विशेष टीम का गठन किया गया। सूचना के आधार पर महमदा बस स्टैंड के पास से दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी के दौरान देसी कट्टा व गोली मिली। डीएसपी ने बताया कि गिरफ्तार दोनों अपराधी पर पूर्व से कई मामला दर्ज है। डीएसपी ने बताया कि गिरफ्तार दोनों बदमाश पर अलग से भी आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया गया है। अभी उसे रंगदारी के मामले में जेल भेजा जा रहा है। बाद में आर्म्स एक्ट के मामले में भी रिमांड किया जाएगा। छापेमारी के दौरान इंस्पेक्टर चंद्रकांत गौरी के अलावा अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। सर बताया जाए क्या मामला? दिनांक 10/10/23 को 7:30 बजे पूसा बाजार में एक स्वर्ण व्यवसायी हैं दीपक कुमार शाह, उनके दुकान पर दो लड़के आते हैं और उनसे बहस करते हुए उनसे कुछ रंगदारी की मांग करते हैं और रंगदारी की मांग करने के बाद जब वो कुछ प्रतिक्रिया करते हैं तो जाने के क्रम में हवाई फायरिंग भी भय के लिए करते हैं। इसी क्रम में पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस त्वरित रूप से जाती है लेकिन वो अपराधकर्मी भाग जाते हैं और उन दोनों अपराधियों को चिन्हित कर करके एक कांड दर्ज किया जाता है रंगदारी का और आर्म्स एक्ट का। रात में छापामारी होती है, छापामारी के पश्चात जो है दोनों अपराधी गिरफ्तार होते हैं और उनके पास एक पिस्तौल, गोली और मोबाइल बरामद होती है। ये दोनों अपराधी सन्नी कुमार और अमन कुमार पूर्व से भी अपराधी रहे हैं, चार्जशीटेड रहे हैं। घटना को सत्य पाया गया है, दो कांड दर्ज किया गया, एक दीपक कुमार शाह के द्वारा जो रंगदारी का और फायरिंग का दर्ज हुआ है और दूसरा पुलिस जो है छापामारी करके जो बरामद की है उसको किया गया है। इसके एक संगीन मामला था क्योंकि व्यवसायी के दुकान पर जाकर रंगदारी की बात की गई थी। तत्काल वहाँ एक टीम गठित की गई परीक्षमान उपाधीक्षक स्वाति कृष्णा के नेतृत्व में और थाना अध्यक्ष वहाँ स्वयं सक्रिय रहे, जिसके कारण दोनों अपराधी की गिरफ्तारी हुई और इस विशेष टीम के द्वारा त्वरित रूप से कार्रवाई करके इस कांड का उद्भेदन किया गया और वहाँ व्यवसायी वर्ग में शांति व्यवस्था कायम की गई। कितने की